कुछ ही देर में जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की देवगांव बाजार में खड़े हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। उसका जीता जागता नमूना ये देखेंगे आप, तो आपको एक झंडे का और एक सरों का सैलाब दिखेगा। वहीं पर हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, जैसे बीडी भास्कर वकील साहब है और कुछ लोग मौजूद है, तो उनसे हम कुछ बात करेंगे। बीडी भास्कर साहब, सबसे पहले तो आपको आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा आप लोग ये जो आज प्रोग्राम किए हैं, तो ये हर साल होता है कि ये पहली बार है? जी, ये विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम देवगांव में होता चला रहा है, जो आज है इसके पहले भी कई साल से होता चला रहा वो कार्यक्रम। अच्छा, जैसे ये इसका निकालने का एक मकसद बताएंगे? देखिए, इसका मकसद है भारत के शिल्पकार बाबा साहब, पूरे विश्व के प्रथम वैज्ञानिक और सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, जो जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहब ऐसे थे जिन्होंने शोषित पीड़ितों वंचित तमाम गरीब लोगों के लिए, सभी समाज के लिए इन्होंने भारत संविधान में लिखा कि नहीं, समता मूलक समाज भारत में स्थापित हो। जबकि जो दयनीय की स्थिति चल रही है, भारत संविधान पर काफी कई बार छेड़छाड़ हुआ, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है। हम लोग यह जयंती मनाने का बहुत बड़ा ये मकसद है कि भारत को हमें सुरक्षित रखना है, संविधान को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित रहेगा, इस देश का नागरिक सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, मैं आपकी बात काट के एक बात पूछता हूँ। जैसे पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड कहता है कि ये हिंदुस्तान के संविधान रचयिता है, बराबर। और ये देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा, क्योंकि चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी हो, सबसे पहले वो शपथ जो खाता है संविधान की खाता है। लेकिन वहीं पर संविधान की कॉपियां जब जलाई जाती है, तो सत्ताधारी पार्टियां ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए या देशद्रोह का केस क्यों नहीं लगाती? कसम तो संविधान की खाते हैं। देखिए, भारत में संविधान तो बाबा साहब ने लिखा, लागू भी हुआ, लेकिन बाबा साहब एक बात बोले थे, संविधान क्यों कितना अच्छा ना क्यों ना हो, वो लागू करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से, किस ढंग से वो पेश करता है। तो भारत का संविधान शुरुआत में ही गलत लोगों के हाथ में गया, आज भी उससे भी कहीं गलत लोगों के हाथ में है कि जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जबकि ये देश में ये नागरिक सभी लोग जानते हैं कि भारत चलता है तो संविधान चलता है, ना कि किसी धर्म मजहब से चलता है, मजहब से नहीं, संविधान। लेकिन आज वर्तमान सरकार जो है ये एकदम टोटल एकदम धर्म निरपेक्ष बनाना चाहता है, भारत संविधान खत्म करना चाहता है। आप तो देखते हैं, मीडिया वाले आप हैं, तमाम आप लोग जो न्यूज चैनल पर देते हैं कि ये भारत का संविधान जो है कितना, मतलब इसको खत्म करने की साजिश हो जा रही है, कि तमाम ये लोग अपने धर्म की जो राजनीति करने वाले, जो धर्म की सरकार है, वो एकदम बिल्कुल संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। इससे हम लोग काफी जो है दुखद में है कि आज ये भारत का संविधान बाबा साहब इतने दुख तकलीफ से बनाए भारत के नागरिकों के लिए, जो कि सुरक्षा प्रदान रहेगा, लेकिन आज संविधान को बिल्कुल एकदम इग्नोर करते हुए एकदम यहाँ के जो ये मान लीजिए कि जो भारत में एक आरएसएस ऐसे संगठन जो लागू करके पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, मैं उनको वही कहना चाहता हूँ कि अगर वो संविधान की जगह अगर वो अपना धर्म चलाना चाहते हैं, धर्म के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं, तो हम चलने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा, इसके लिए हमें कितना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, लेकिन देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम कुर्बान भी अपनी दे सकते हैं, और जितना हो सकता है हम लोग अपने माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारे संगठन जो राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन है, यही काम करता है कि भारत बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, यही हमारा मोटो है, यही हमारा ये संघर्ष है, संकल्प है। बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि बार बार मैं उनको नमन करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हमारे समाज में आज जो लोग
टाई बेल्ट सूट में आए हैं, ये किसी देवी देवता या किसी धर्म की देन नहीं है, वो लिफार खाली भारत संविधान की देन है, वो बाबा साहब की देन है। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ में इस संस्था के संयोजक भी हैं, अब उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आर के रावत है। मैं सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा पूरे आरबीसीएम टीम की तरफ से, और इस देश में सभी को मैं बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए नियम से ये देश चलता है। तो हम सबको उनके विचारों का या उनके बनाए हुए संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए, और जो लोग इसके विपरीत चलना चाहते हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप इस देश में रहना चाहते हैं, बाबा साहब के देश में भारत में रहना चाहते हैं, तो उनके बनाए हुए संविधान पर चलना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन बहुजन जाग जाएगा, उनके संविधान को मानने वाले जाग जाएंगे, उस दिन आपका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। ये चीज आरबीसीएम कहती है, और आरबीसीएम ना ही कोई पार्टी है, सिर्फ एक सामाजिक संगठन है, और ये बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने का काम करती है। और उस मूवमेंट को कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए, उसके लिए हम खड़े रहते हैं, और किसी के घर में कोई भूखा ना सोए, आरबीसीएम उसके लिए भी काम करती है। तो हम बाबा साहब के पहला मोटो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इस पर हम काम करते हैं। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, हालांकि सामने दिखावा करते हैं कि नहीं हम संविधान बाबा साहब को मानते हैं, तो आपकी एक बात काटता हूँ। जैसे आपने कहा कि कह रहे संविधान बदलने की बात करते हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो आज तक संविधान का विरोध करती थी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करती थी, लेकिन एक नया सगुफा छोड़ दिया उन्होंने कि 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक का स्वच्छ भारत अभियान चलाओ बाबा साहब के नाम पे। तो ये क्या ये वोट की राजनीति नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल वोट की राजनीति है, लेकिन मैं वही कहने जा रहा था कि उन लोगों को मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, जो लोग सामने तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, पीछे और उनके विरोध में काम करते हैं, उनका संविधान खंडित करने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। आरबीसीएम इसी पे काम करती है कि उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी दल के लोग हों, जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, हम उनका उनको बिल्कुल भी उनका विरोध करेंगे, जो लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान या उनके बनाए हुए नियम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का स्थान सिर्फ जेल और जेल होना चाहिए, इस चीज को चाहे जो भी गवर्नमेंट हो उसको सचिव में लेना चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अभी आना शुरू हुए हैं, हमको लगता है 5000 तक के आसपास का अनुमान है, उतनी संख्या आएगी, तो सबका एक बार पुनः अपनी पूरी आरबीसीएम टीम तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे टीम के अध्यक्ष जी हैं, प्रधान जी। जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे इस पे? सर देखिए, इस समय सभी आरबीसीएम परिवार की तरफ से, सभी इस बाबा साहब की जयंती में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, दोस्त इस समय जो भारत में दो विचारधारा चल रही है, एक है आरएसएस और दूसरा है अंबेडकरवाद। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और संविधान का अंत करना चाहता है, लेकिन अंबेडकर जो 85% लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने काम करने का काम करता है, हम संविधान के पक्ष पोषक हैं। जिस दिन यह 85% जाग जाएगा, पूरा भारत जो नीला रंग में रंग दिया जाएगा, और आज ये ट्रायल है, अभी तो हम जाग रहे हैं। और ये देखिए, अभी तिरंगा जो लगाया गया है, ये दो कलर का रंग कर दिया गया था, केसरिया तिरंगा का रंग कोई दूसरा होता है। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी शान है, संविधान मेरा जान है। अगर हमारी दुनिया के अंदर पहचान है तो बुद्ध से पहचान है। अगर मेरे देश का कोई प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाता है तो भगवान गौतम बुद्ध का नाम लेता है, वो नहीं कहता है देवी देवताओं का देश है। और एक वकील वकालत करता है, चाहे किसी वर्ग का हो, वो संविधान को पढ़कर वकालत करता है, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं लेता है। तो मैं साहब आपसे निवेदन करूंगा, सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि हम इतना ऊपर उठा देना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, जो 85% है, आज उनकी जो कूटनीत है, आज तीन वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया, तीन वर्ग पूरे 85%
6743 जातियों पर आज कर रहा केवल 3 जात वाले लोग। तो आज मेरी अज्ञानता है, बाबा साहब ने कहा था आज ये हमको पत्थर पूछ कर भिखारी हो गए और पत्थर पूछ कर वह मालामाल हो गए। प्रधान जी एक सवाल आपसे, आपने बड़ी अच्छी बातें कही है तो मेरा दिमाग थोड़ा गया। जिस तरीके से अभी ये नया एक वो निकला है कि हिस्ट्री के अंदर से मुगलों का इतिहास निकाल दिया जाए, तो जो आपने इतिहास पढ़ा, जो वकील साहब ने इतिहास पढ़ा, या जो मैंने पढ़ा, जो हमारे बाप दादा ने पढ़े, यानी वो सारे इतिहास झूठे थे ये कह रहे हैं जी, तो फिर ये ताजमहल लाल किला ये क्या अपने आप बन गया? नहीं सर, अगर पृथ्वीराज जी जो जंग लड़े थे, जब मुगलों का चैप्टर निकाल देंगे तो फिर जो हिंदुस्तान में जो जंगें हुई मुगलों से तो वो किसके साथ हुई? सर एक चीज हम आपसे और प्रश्न करूंगा, मैं अपनी बात रखने के बाद तब आपका जवाब दूंगा। एक बार एक यादव जी थे जो देवी देवताओं का नाम ले रहे थे, हमने उनसे कहा, दोस्त मैंने उनसे कहा, दादा एक बात बताइए कि अगर एक ब्राह्मण खड़ा है और एक ठाकुर आ गया तो ब्राह्मण जो है ठाकुर गोल पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना? लेकिन मैंने कहा मैं पढ़कर दिखाऊंगा। कैसे? हमने कहा राम आपके रामचरित मानस में वो पुराण में राम को क्षत्रिय दर्शाया गया है और ब्राह्मण नहीं पूछता है, क्यों पूछता है? इसके पीछे राज है कि नहीं, इतिहास नहीं है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती दोस्तों, वो कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए अपना इतिहास जानना है, इतिहास को कभी भूलना नहीं है। जिस इतिहास भूल जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्तों, कुर्बानियां हमारे इतिहास के लोगों ने इतिहास में से वो चैप्टर ही भूल कर दिया है। करेंगे तो हमको खोजना है, उसको खोजेंगे हमारे साथी, जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ा शिक्षा का भंडार है, शिक्षा खत्म, बाबा साहब अंबेडकर, शिक्षा खत्म हो जाएगी, सबसे बड़ा हथियार जी जी शिक्षा, वो सरिनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। कल तो आने वाला समय था कि हम जो है हमको गोबर की, हमारे गरीब लोगों को गोबर का अन्न खाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, वो क्यों? जो अभी एमपी में बीच में कह रहे घोड़ी चढ़ाता है दलित बच्चा, उसको मार दिया गया। हाँ तो दोस्तों मैं अपना बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गई है और हम सबको हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ में एक दरोगा जी भी है, उनसे बात करेंगे। सर आप अपना परिचय दें। हाँ सर, मेरा नाम श्यामलाल गौतम, मैं ग्राम मशीरपुर के रहने वाला हूँ और सर मैं पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हूँ। तो आज इस शुभ अवसर पे आप जैसे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा विचार देश को कुछ करे पैगाम दे सर, मेरा विचार ये सर कि जो भारत का जो संविधान बना हुआ है, संविधान की जो प्रस्तावना है उस आधार पर हमारा देश चलना चाहिए। अगर प्रस्तावना में लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सबके व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्षिक शुक्ला सतमन 1926 इति द्वारा अंगीकृत करते हैं। तो सर इसको लागू किया जाए, इसको पढ़ाया जाए, इसको क्यों भुलाया जाता है? अगर इस प्रस्तावना में अगर इस तरीके की बातें लिखी हुई है उसके आधार पर हमारे देश के जितने सरकारी नेता अभिनेता जो भी हैं वो काम करे तो किसी प्रकार कोई अत्याचार जुर्म नहीं होगा, ना जातिवाद होगा, ना छुआछूत होगा, ना भेद होगा, ना अत्याचार होगा। जी आप तो देखिए देश की सेवा भी कर चुके हैं, पुलिस विभाग में रह चुके हैं और ये मुद्दा हमने बहुत पहले से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। स्कूलों में हर चीज की किताबें पढ़ाई जाती है, क्यों नहीं एक पीरियड संविधान का रखा जाता? इसको नहीं पढ़ाया जाता है सर, इसी अगर पढ़ा दिया जाएगा तो SC ST OBC के लोग जागरूक हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार को मांगने लगेंगे, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए धन्यवाद आपका। तो जैसे आपने देखा हमारे साथ में यहाँ पर वकील साहब थे, दरोगा साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबका कहनाम और सबकी सोच और सबका निचोड़ यही है कि संविधान सर्वप्रथम था, है और रहेगा, और ये देश न जाति से चलेगा, न मजहब से चलेगा, ना नारों से चलेगा, ये देश जब भी चलेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ मैं जाबिर शेख परहारी, मुंबई से।